और आज है मंडे, शाम के 3-4 बज रहे हैं। हम अभी शूट पे आए हैं। मैं वैसे बहुत सुबह उठ चुका था और मैं व्लॉग बहुत पहले कर चुका था। कैसा है गंजे यूट्यूबर, बहुत पहले व्लॉग स्टार्ट कर देता बट इसकी वजह से नहीं कर पाया और अभी हम शूट पे आए। आज हम शूट कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो सिंपल सी होने वाली है। हेलमेट के अंदर हम बॉम्ब्स भरने वाले हैं, तो देखेंगे वो वाली बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। एंड साथ में कल हमको जाना है चंडीगढ़, बिकॉज वहाँ पे जाके हमको कुछ माल लेना है, दिवाली की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है एंड मेरे को कुछ खतरनाक चीज़ लेनी है वहाँ पे जाके। दो ऐसी खतरनाक चीज़ें जो मुझको लेनी है एंड वहाँ जाके जरूर से लेके। चलो गाइस, देखो ये करिश्मा हमने बनाया है वीडियो के लिए। अगर आप लोग को समझ आ रहा है ये करिश्मा क्या है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे आप लोगों ने वीडियो देखी ली होगी ये क्या करिश्मा है। और यहाँ दोनों भाई सारे के सारे काम कर रहे हैं और मैं मजे कर रहा हूँ जहाँ पे खड़े होकर। नहीं वैसे मैं मजाक नहीं, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैंने किया मेहनत। और हाँ, मेरे को फोटोज भी खिंचवानी है बट मेरे गंदे बाल और मेरी गंदी शक्ल की वजह से मैं फोटोज नहीं खिंचवा पाता। मैं बहुत मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता अपनी शक्ल देख के। मैं अभी भी देखते गंदी लग रही है मेरी शक्ल मजाक में, बट कोई बात नहीं। अभी जल्दी यहाँ से जैसे शूट को कंप्लीट करके वैसे जाएंगे हम KFC हमारे परमानेंट अड्डे पे एंड वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे एंड फिर जाके घर जाके एक और वीडियो बनानी है एंड उसके बाद मैं अपना वीडियो शूट करूंगा। और कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, अभी देखना क्या होगा फिर से एंड देखते हैं इस बार क्या होता है। भाई पिछली बार तो कुछ खतरनाक सीन हो गया, पीछे हो जाओ सब लोग, पीछे हो जाओ। इसकी अभी देखना गाइस इसको गोपनीय कहाँ जाएगा। चलो आग लग रही है, आग लग रही है। 1 2 और ये 3 बूम। वो देखो गाइस, ये देखो वहाँ से आने के बाद मैंने व्लॉग करना भूल गया था बट अभी हम जिम के अंदर है एंड अभी आज अच्छे से जिम करेगा। आज हमारा चेस्ट है तो आज हम चेस्ट करेंगे। इसके बाद मैं घर जाने वाला हूँ एंड भैया की वीडियो शूट करेंगे पहले एंड उसके बाद अपनी वीडियो शूट करेंगे। तो दो वीडियो अभी मेरे को और शूट करी, एक हमने कर लिया है, दो और बची है एंड अभी मेरे सेट आ चुके हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। कर 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 अब कर करना कर क्यों नहीं रहा। चल 1 2 3 4 5 कर 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 5। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है थर्सडे, मेरा सेकंड डे, सेकंड टाइम वीकली व्लॉग्स का और आज का दिन बहुत ज्यादा जरूरी वाला है। वैसे तो मैं कल मंडे को हम चंडीगढ़ जाने वाले थे बट कल नहीं जा पाए तो आज हम जाने वाले हैं। अभी सुबह के शायद 10 बज रहे हैं और भैया तैयार हो रहा है, मैं तैयार होकर पहले से बैठा हूँ। अब देखो आज हमको करना क्या है, आज हम चंडीगढ़ जाएंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे बट मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज खरीदनी है। आप लोगों को पता है मैं गेमिंग फ्रीक हूँ, मेरे को बहुत पसंद है गेम्स खेलना अलग अलग टाइप की एंड मेरे पास PS5 के लिए ना बहुत सारी गेम्स है। लाइक मेरे पास डेस्क में आपको दिखाता हूँ होगी तो मेरे पास बहुत सारी लाइक डेस्क गेम्स है PS5 के लिए जो कि मेरे को लाइक सब सारी मैंने एक तरह से सारी बोल सकते हैं, मैंने सारी की सारी खेली है। बट मेरे को ना यार RPG गेम्स लाइक गॉड ऑफ वॉर टाइप की गेम्स मेरे को बहुत पसंद है जिसमें लाइक बॉस फाइट्स होती है एंड इस टाइप की RPG गेम्स भी मेरे को बहुत पसंद है यार जिसमें बॉस फाइट होती है, वो तो मेरे को पसंद है। लाइक गॉड ऑफ वॉर मेरी फेवरेट गेम्स है। गॉड ऑफ वॉर की जितनी भी सीरीज है जो जो गेमिंग वाले बंदे हैं उन सबको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। गॉड ऑफ वॉर मेरी फेवरेट गेम एक तरह से एंड साइबरपंक भी ठीक ठाक गेम है, मेरे को लगा था ये काफी अच्छी गेम होगी बट इतनी खास नहीं थी। और बहुत सारी गेम्स हैं इसमें लाइक जो मेरे को बहुत पसंद है लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, ये पुरानी गेम बट काफी अच्छी गेम है। एंड इसमें एक और गेम थी यार, कौन सी थी, टेकन। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ टेकन ही खेलता हूँ, हम यही गेम खेलते हैं जब भी मैं और मेरा दोस्त मिलते हैं ना तो हम सिर्फ ये वाली गेम खेलते हैं। और गए GTA 5 भी, इसमें GTA 5 की वैसे मेरे को ना लेनी नहीं चाहिए थी पर भैया लेके आ गए GTA 5 की, मैंने उसको बोला था लाने के लिए बट चलो GTA 5 भी एक सही गेम है। बट आज हम आपको 3 गेम्स लेके आनी है। तीनों में से मेरे को 2 गेम तो चाहिए। देखो ये पहली है एल्डन रिंग। अगर आप लोग को नहीं पता एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हार्ड गेम है जो कि एक RPG गेम है एंड वो गेम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मेरे को उस गेम को खेलना था, मैं वैसे PC पे उसको डाउनलोड करने वाला था बट स्टीम से डाउनलोड करने का ना बहुत पंगा है, इससे मैंने सोचा क्यों ना एक डिस्क ही ले ली जाए PS5 के लिए और PS5 पे खेलेगा उसको। और एक है शिकिरो भी एक RPG टाइप की गेम ही है, उसके ग्राफिक्स एंड उसकी बॉस फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी है। एंड थर्ड है गोस्ट ऑफ सुशीमा, वो गेम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो देखो ये तीनों गेम्स लेनी है, ये तीनों गेम्स सेम उस पेथ में चलती है जिसमें हमारे को बॉस फाइट आती है। मेरे को ना तो वैसे ज़्यादा फाइटिंग गेम्स ज़्यादा इतनी पसंद नहीं है बट वो गेम्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक उनकी वीडियोज़ देख देख के मेरे को बस मन कर रहा है कि बस मेरे को लेनी है, मेरे को खेल लिया है, बहुत मजा मन कर रहा है मेरे को उसको खेलने का। तो आज हम उनसे लेने का पूरा ट्राई करेंगे, मैं सारी ढूंढने का ट्राई करूंगा और देखते हैं कोई और गेम आपको दिखी तो हम वो गेम्स भी लेने का ट्राई करेंगे।
भाई तो कमेंट सेक्शन में बताना आप सभी लोग की फेवरेट गेम कौन सी है, मोबाइल गेम्स को छोड़ के, ठीक है, मोबाइल गेम्स को छोड़ के आप लोग की फेवरेट गेम कौन सी है, माइनक्राफ्ट वगैरह को भी छोड़ के, लाइक आरपीजी गेम्स ही बता दो यार कौन सी है, लाइक गॉड ऑफ वॉर सीरीज तो मेरी फेवरेट है, बिकॉज अभी आप लोगों को पता है रैग्नारॉक भी आने वाली है कुछ टाइम में, तो मैं जिस दिन रैग्नारॉक लॉन्च होने वाली है ना उसी दिन शायद मेरा ऑर्डर आ जाएगा, मैंने उसे पहले ही वो प्री ऑर्डर कर रखा है अमेजोन पे, तो जैसे ही वो आएगा मैं उसे खेलूंगा और आई गेस दूसरे दिन तक खत्म भी कर दूंगा भाई, मेरे को बहुत है। एंड ना आप लोगों को बताओ कि मेरे को अपने इस चैनल पे दूसरी गेम्स भी खेलनी चाहिए, लाइक मैंने बोला था मैं दूसरी गेम्स खेलूंगा बट यार पता है क्या व्यूज आते नहीं है, तो कोई बात नहीं हम ट्राई करेंगे एल्डन रिंग मेरा खेलने का, अगर आप लोगों को मजा आएगा तो और एपिसोड डालेंगे, बाकी अब चलते हैं। तो गाइस अभी 12 बज रहे हैं और अभी हम निकल गए थे बट हमको ना यार ऑलमोस्ट अभी तक हम पहुंचने वाले होते बट अभी हम तो पहुंचे नहीं, अभी तक हम सोलन से भी बाहर निकले, मम्मी देखो कैसे आ रही है। सीन क्या हुआ है कि हमारे नंबर प्लेट की वजह से थोड़ा बहुत सीन हो गया था, बिकॉज अभी तक शायद नंबर प्लेट की कुछ पेपर पेपर नहीं आए थे और लाइक ऑफिशियली दर्ज नहीं हुआ था शायद से नंबर, मतलब था नंबर हमारा और कुछ सीन हो गया था फॉर्च्यून के नंबर का, क्योंकि हमने नया नंबर चेंज कराया था अपना, हमने VIP नंबर लगाया था, तो उसकी वजह से सीन पड़ गया और हमारे को यहाँ रहना पड़ा, खड़ा रहना पड़ा, फिर मेरे को और पापा को जाना पड़ा नंबर लगवाने के नंबर का कुछ वो सीन पानी करने के लिए, फिर आए और अब जाके हमारा चलान चुलान कुछ नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा ना मम्मी, अब चलान चलान कुछ नहीं हो रहा और अब हम जा सकते हैं, 200 का चलान दे रहे थे, 200 रुपए दे तो सकते थे बट फिर यार चलान देना ना मतलब थोड़ा वो एक तरह से वो खराब हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड एक तरह से खराब हो जाता है, पर हम वो करना नहीं चाहते थे तो इसलिए हमने इससे अच्छा थोड़ा एक घंटा वेट किया और हमने फिर से वो करा दिया। अभी जज उठ यहाँ पे थे नहीं, शायद जज उठ पता नहीं कुछ सीन उठता तो उसकी वजह से उनको आना पड़ा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सीन हो गया था बट कोई बात नहीं, अब हम बच गए और हमको जाना पड़ेगा, अब हम जा सकते हैं और अभी वैसे हम बहुत लेट हो चुके बट कोई बात नहीं हम जाएगी। अभी हम मॉल पहुंच चुके हैं और अभी हम थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, भैया ने अभी अपने लिए कपड़े लिए, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े नहीं लिए, बिकॉज पिछली बार मैंने थोड़े बहुत अपने लिए कपड़े लिए थे और मेरा यहाँ पर इस बार मुझे लगा भी नहीं कुछ अच्छा भी नहीं है कि ये नए कपड़े, बट अब हम जाएंगे गेम्स लेने, लेट्स गो। ओके ठीक है, अभी हम वापस सोलन आ चुके हैं, देखो सीन क्या हुआ था नीचे हमको जैसे ज्यादा कुछ सामान लेना नहीं था, वैसे रात के अभी 8:30 हो रहे हैं तो रात हो चुकी है हमारी और वापस हम वापस अपने घर आ चुके थे। अब देखो क्या हुआ था, हमको वैसे शॉपिंग करनी नहीं थी, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, मैंने इनको बोला था कि चलो 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 मेरे को कुछ सामान लेना था, आप लोगों को बताया मेरे को गेम्स लेनी थी तीन, तो उसके लिए हम गए थे, थोड़ा बहुत हमने सामान लिया, जूती वगैरह लिए, जूती लिया फिर चप्पल जो भी बोलते हैं वो दिवाली के लिए कुछ अच्छा अच्छा सा, भैया ने अपने लिए बहुत सारे कपड़े लिए दिवाली के लिए, बट हमने हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमको मिल चुकी थी, हमको तीन गेम्स लेनी थी, एल्डन रिंग, गोस्ट ऑफ सुशीमा और शिकिरो, हमको तीन में से सिर्फ दो मिल पाई और दो में से भी एक ही हमारे को PS5 वर्जन मिल पाई, हमको एक PS2 वर्जन मिल पाई और वो है यहाँ पर, आप देख सकते हो हमको एल्डन रिंग मिल चुकी है PS5 वर्जन। अब PS5 और PS4 वर्जन में फ़र्क क्या होता है, मेरे पास वैसे PS5 है और PS4 की गेम्स PS5 पे भी चलती है बट सीन ये होता है कि हम HD में खेल पाते हैं, 4K पे नहीं खेल पाते, लाइक असली असली रियल ग्राफिक्स पे नहीं खेल पाते, बट कोई बात नहीं, ये भी हमको HD भी काफ़ी अच्छी ग्राफिक मिली, तो हमको शिकिरो मिली है PS4 वाली एंड एल्डन रिंग मिली है हमको PS5 वाली। वैसे तो वो बोलते हैं कि थोड़ी देर वेट कर लोगे तो मैं आपको गोस्ट ऑफ सुशीमा भी पकड़ा दूंगा, मैं दे सकता हूँ, बट मैंने बोला कि नहीं यार हमको जाना है, तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं, मेरे को इसलिए समझ नहीं आ रहा मैं सबसे पहले गेम कौन सी खेलूं, बिकॉज एल्डन रिंग तो मेरे को पता है एक फाड़ू गेम है, इस गेम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बॉसेज है एंड शिकिरो भी भाई एक बहुत अच्छी गेम, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी गेम स्टार्ट करूं पहले खेलना, एंड वो कमेंट्स में बताना कि आप सभी लोगों को अगर आप चाहते हो तो मैं इन दोनों में से किसी की सीरीज भी स्टार्ट कर सकता हूं, बट आई डोंट थिंक सो आप लोग को देखने में मजा आएगा तो मेरे को खुद ही खेलनी पड़ेगी, बट अभी इनमें से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अस्सी बहुत अजीब लग रहा है, बट चलो मेरे हिसाब से देखो हमको ना वैसे शिकिरो 2017 की गेम है, क्या 17 या 19 की गेम है आई थिंक, तो ये वाली कम उसकी होगी और एल्डन रिंग तो बहुत पुरानी गेम है बट ये बहुत ज़्यादा गीगाबाइट्स की है, तो चलो ऐसा करते हैं PS5 ही ऑन करते हैं एंड PS5 ऑन करके ही ना भाई इसका वो देख लेते हैं, चलो बस रिमोट यहीं पे पड़ा हुआ है, PS5 कर दिया है मैंने ऑन, तो गाइस अभी ना मैं सोचो शिकिरो को ही अनबॉक्स कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक ये वाली थोड़ी छोटी होगी तो मैं इसको लाइक जल्दी इंस्टॉल भी कर पाऊंगा और जल्दी से इसको खत्म करने का ट्राई करूंगा, आई थिंक मैं इस गेम को ना मिनिमम 1 वीक के अंदर खत्म कर लूंगा या फिर अगर ये थोड़ी बहुत छोटी हुई तो मैं इसको बहुत जल्दी भी खत्म कर सकता हूँ, बट कोई बात नहीं इसको पहले फाड़ लेते हैं। यार पता है क्या, PS5 और PS4 की ना सीरीज को अनबॉक्स करना मेरे को सबसे घटिया काम लगता है, आई थिंक यहाँ कहीं से इनका फटने वाला कवर होता है, पता नहीं कहाँ से होता है, बट चलो कोई बात नहीं इसको यहीं से ओपन कर लेते हैं और मेरी कलेक्शन में एक और गेम जुड़ चुकी है, यार पर इसको फाड़ना मेरे को सच में अभी भी बहुत बोरिंग लग रहा है, फट जा यार, ओके लेट्स गो, हमारी गेम फट चुकी है यहाँ से, इसके अंदर मेरे को आई गेस वो भी मिलेगा ना, कुछ मिलना चाहिए, वो डिस्क के साथ ना कुछ हमको एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है हमेशा,
तो मेरे को वैसे डिस्क पसंद है, बहुत सारे लोगों को ना यार ऑनलाइन डाउनलोड करना ही पसंद है, बट मेरे को डिस्क ही पसंद है बिकॉज हमारे से हार्ड कॉपी होती है ना गेम की, तो अच्छा लगता है। चलो कई सवाल चिट्ठी तो आ चुकी है, अब इसको ओपन करते हैं। ओके तो गाइस इसके साथ हमारे को कोई मैनुअल वगैरह तो नहीं मिली, आई थिंक ये PS4 वाली है तो शायद नहीं मिली होगी, और वैसे भी ये काफ़ी पुरानी गेम है तो आई थिंक मैनुअल तो नहीं मिली, बट हमारे पास डिस्क आ चुकी है तैयार है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। यस ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, सील पैकेज से आई हुई, एंड इसको अभी हम लगा लेते हैं। तो चलो गाइस अभी ना डिस्क को निकालते हैं, इससे शायद से डिस्क निकलती है भाई, निकल जा। ओके डिस्क इसके अंदर शायद डाली नहीं, ओके हाँ इसके अंदर मैंने डिस्क थी इसके अंदर पहले मैंने डिस्क डाली थी बट अब मैंने हटा दी थी, तो चलो अब इस डिस्क को डालते, इसी साइड डालते, नहीं इस साइड डालते। चलो अब अपनी PS5 की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स गो, देखते हैं कि क्या चल रहा है। अरे भाई रुक जाना यार, ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा। ओके वैसे आपको अपनी गेम कलेक्शन दिखाऊं PS5 पे तो मेरे पास ज़्यादा अच्छी गेम्स नहीं है, लाइक अभी जो मैं खेल रहा हूँ वो तो एन्चांटेड या जो मैं भी लगातार खेलता हूँ, और तो कभी कभी फीफा कभी कभी खेलता हूँ, और GTA 5 तो मैं बिल्कुल ही नहीं खेलता। बट अभी यार ये नहीं, शायद से लगी नहीं है मेरे हिसाब से। ऊपर देखो अगर आपको डिस्क का ऐसा ऑप्शन आ रहा है ना तो उसका मतलब ओके नहीं 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 ठीक से नहीं लगाई हमने उल्टी लगाई है, वापस बाहरा। ओके नाइस, और उल्टा करके सही से लगा लेते हैं। ओके हमने उल्टा लगाया था तभी वैसे ऑप्शन ऐसा आया था। बाकी मैं आपको अपनी गेम लाइब्रेरी दिखा सकता हूँ क्या यहाँ से, जिसमें मेरे पास लाइक जितनी भी मैंने गेम्स खेली है, नहीं पता नहीं कैसे दिखते हैं बट कोई बात नहीं, अभी इसका इंतजार करते हैं देखते हैं कैसे। ओके ये देखो आ गई शिकिरो स्वॉट डाई टॉइस, भाई साहब इसको देख रहे हो बस, ये बंदा बहुत खतरनाक है, बैड ऐसे भाई। और इसमें ना इस गेम में इतनी खतरनाक बॉस फाइट है, लाइक लिटरली मेरे को ना कहते हैं जापान में सेट भी जितनी भी गेम्स होती है ना, लाइक कटाना कुटाना वाली टाइप की गेम्स, उनको बहुत पसंद है। एंड गाइस लिटरली ये गेम बहुत ज्यादा मजेदार है, 9% 10% कॉपिंग हो भी गई है, लाइक 10% हो चुकी है, 11% हो गई, जैसे 100% स्टार्ट होगी। मैं इसकी थोड़ी बहुत झलक खेलूंगा एंड उसके बाद आई गेस हम जिम जाने वाले शायद से, मेरे को पूरा नहीं पता। एंड उसके बाद मेरे को लग रहा है हमको वीडियो बना लेनी चाहिए, अपनी वीडियो बनाने के बाद मैं फिर आराम से थोड़ी देर खेलूंगा। आई थिंक मैं आज ज़्यादा नहीं खेलूंगा, अगर मेरे को मज़ा आया तो मैं आज सुबह तक कंप्लीट कर लूँगा। सिर्फ मेरा कुछ नहीं पता, मैं कैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को गेम्स बहुत पसंद है कुछ कुछ, लाइक अनचार्टेड 4 जैसी गेम्स मैंने जब खेलना स्टार्ट की थी, मैंने हफ्ते में ऑलमोस्ट मैं एंडिंग तक पहुंच गया था, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी खेलनी, आराम से खेलना स्टार्ट कर दिया। एंड गॉड ऑफ वॉर 4 जब मेरे पास आई थी ना, गॉड ऑफ वॉर 4 भी मैंने ऑलमोस्ट 3 हफ्तों के अंदर खत्म की थी, उसमें मेरे को काफी टाइम लगा बिकॉज गॉड ऑफ वॉर 4 में बहुत चलना चुलना भी है। और जब गॉड ऑफ वॉर 3 मेरे पास आई थी डेस्क वर्जन, बिकॉज देखो मैंने पहले तो खेला था बट वो मैंने PS4 में खरीदा, खेला था किसी और के, बट गॉड ऑफ वॉर 3 नहीं मैंने खेला नहीं था, मैंने 20% की वीडियो देखी थी, वो मैंने पूरी वीडियो देखी थी एंड उसके बाद मैंने अपने लिए खुद मंगाई थी, तो ये CD मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसको मैंने ऑलमोस्ट मेरे को हफ्ता भी नहीं लगा था, मैंने हफ्ते से पहले खत्म किया था, चारों या पांचों जितने 5 बॉस होते हैं ना, 5 के 5 गॉड्स को मिले, इसमें सच में हमको गॉड्स को मारना पड़ता है, लिटरली गॉड्स को इसमें लपेटना पड़ता है हमको। बाकी बहुत सारी गेम्स है जो हम आपको आगे ट्राई करनी, बाकी मेरे को कमेंट्स में बताना आप सभी लोग के हिसाब से मेरे को और कौन सी गेम्स खेलनी चाहिए। वैसे इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं थोड़ी देर में, अब इसका अनबॉक्सिंग भी करते हैं। और हाँ भाई बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि यहाँ ऊपर ये क्या है, ये यहाँ ऊपर ये क्या है, तो ये सारे मेरे एक्शन फिगर्स के डब्बे, लाइक आपको मैं दिखाऊं, दिख रहे क्या ये पीछे तक जाते हैं बहुत सारे डब्बे, मेरे को ना यार अपने एक्शन फिगर्स जो आप यहाँ पीछे देख रहे हो इनके डब्बे फेंकना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे घर वालों को वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है डब्बे, बोलते फेंक इसको, फेंक क्यों रहा है, फेंक मतलब फेंकता क्यों नहीं है, बट आई थिंक मेरे को इनको बचा के रखना चाहिए, काफ़ी प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मेरे को बहुत पसंद है यार जो चीज़ें मैं खरीदता हूँ ना, मैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता हूँ, एक तरह से तुम बोल सकते हो, कपड़ों को छोड़ के अपने आप को इतनी मैं सेवा नहीं करता जितने ये करता हूँ। तो चलो गाइस अभी हमारी एंडर रिंग की सीरीज का कवर भी फट चुका है यार, मेरे को बहुत गंदा लगता है ये कवर, इसको पूरा ऐसे फाड़ दूंगा। ओके लेट्स गो, अब इसके अंदर कोई मैनुअल होनी चाहिए यार, मेरे को ना थोड़े बहुत पढ़ना अच्छा लगेगा इसके बारे में। आप यहाँ पीछे इसके थोड़े बहुत बॉस देख सकते हो, ये वाला बॉस बहुत खतरनाक, ये वही वाला बॉस है ना, नहीं ये वाला नहीं है, मेरे को वो वाले बॉस के साथ फाइट करनी है जो कुछ करके मारता है। चलो अब एल्डर रिंग को ओपन करते हैं, ओके हमको इसके साथ कोड भी मिला भाई, देखो ये है एल्डर रिंग की सीरी एंड एल्डर रिंग एल्डर एल्ड एंड भाई 87 खत्म होने वाला है, कोपिंग तो खत्म भी होने वाली है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें के बारे में इसमें है, आई थिंक इसके गेम के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, एंड यहाँ पर आपको कोड मिला हुआ है जो कि आप से भी वैसे कोई यूज़ कर सकता है अगर आपको करना है। ठीक है दिख रहा है क्या, उल्टा होगा नहीं मेरे लिए उल्टा दिख रहा है, आप लोगों को सीधे अगर आपके पास एल्डर रिंग CD है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मेरे को इन गेम परचेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अपने दम पे करूँगा जो भी करूँगा। और बाकी अब शिकिरो तैयार हो चुकी है, लेट्स गो। ओके तो गाइस शिकिरो हमारी तैयार हो चुकी है, इसको ना ओपन कर लेते हैं, मैं इसको फुल स्क्रीन नहीं कर पा, अरे मैं इसको फुल स्क्रीन नहीं कर पा, व्हाट द हेक,
अभी इन्हें बोला भाई कंप्लीट हो चुकी है और अभी फिर से 8 GB और ले रहा है। ओके वैसे तो बहुत स्पीड में हो रहा है, तो चलो इसका वेट करते हैं। ओके तो गाइस यस 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 हमारी गेम तैयार हो चुकी है। एंड मेरे को नहीं पता था शिकिरो को लाइक एक्टिविजन ने बनाया, लाइक रुको मैं कैमरा उल्टा करूं क्या यार, मेरे को नहीं पता था शकीरो को यहाँ पर, इसको मेरी बात छोड़ो, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। लेकिन मैं अपना फर्स्ट इंटरफेस ना आप सभी लोग के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो शिकिरो शॉट डाइट वाइज प्रेस अ बटन, मैंने दबाया तो हो जाना स्टार्ट। मेरा पता नहीं फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, किसी को पता है तो मेरे को बताना। लेट्स गो। तो चलो यहां पर करते हैं इसे एक्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक अब स्टार्ट होना चाहिए यार, जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाओ भाई। मैं ना भाई लिटरली मैं बहुत ज्यादा बोर, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। न्यू गेम, लेट्स गो। न्यू गेम पे क्लिक करते हैं। स्टैंडर्ड कैसे रखे भाई? ओके तो गाइस यहां पर स्टार्टिंग हो रही है। रुक रुक मैं हेडफोन पहन लेता हूँ। सो मैं, आप लोग सबटाइटल्स पढ़ सकते हो नीचे से ताकि मैं सुन पाऊँ। ये भाई मेरे को कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही। वेट, मैंने ऑफ करा साउंड। ओके जापानीज में ही बात कर रहे हैं। ओके यहाँ पे फाइट हो रही है आई गेस। ओ ये दिखाना सही रहेगा क्या? ओके ओ भाई गाइस इस गेम में बहुत वायलेंस है बट मेरे को यही पसंद है भाई। लेट्स गो मारू सोलो को। ओके इज द वॉर फाइनली ओवर। भगवान जाने मेरे को क्या बता। देख रहे हो गाइस यहाँ पर एक पूरा वॉर का सिनेरियो चल रहा है एंड आई थिंक सामुराइज सारे सामुराइज फाइट कर रहे हैं। ओ भाई मॉन्स्टर टाइप के भाई पूरे लिटरली ये सब लोग। इस गेम में इतने मॉन्स्टर्स नहीं है लाइक ह्यूमन ही इतने मॉन्स्टर लाइक टाइप के है बट एल्डन रिंग में बहुत मॉन्स्टर्स मिलेंगे हमारे को तो वो खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो तो गाइस मैं भूल गया था कि ये एक व्लॉग है एंड आई डोंट थिंक सो मेरे को व्लॉग में गेमिंग का कंटेंट डालना चाहिए। बट अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है गेमिंग की तो मेरे को कमेंट्स से बताना कि मैं डालना स्टार्ट करूं। और अगर इस वीडियो पे 30K लाइक्स हो जाते हैं तो मैं गेमिंग वीडियोस डालूंगा बाकी गेम्स की। ठीक है अब मैं गेम खेलता हूं बाय। भी एक बहुत बुरी खबर है, मेरे को जिम जाना पड़ेगा। मेरे को लगा था भाई हम भैया अभी आज हम जिम नहीं जाएंगे बिकॉज आज भैया थका होगा एंड मैं भी थका हुआ हूँ बट हमारे को जिम जाना पड़ेगा क्योंकि भैया का मन कर रहा है जिम जाने का इसलिए हम जिम जाएंगे। उसके बाद मैं घर आऊँगा उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा यार तब तक मैं बहुत थक जाऊंगा। बट आई थिंक मेरे को आज वो शिकिरो मैंने थोड़ा बहुत खेला शिकिरो मास्टरपीस। ये एक गेम इस टाइप की है कि इसमें एक वॉर टाइप की हुई थी मास्टर मुस्टर एंड रिवेंज मतलब बहुत अच्छी गेम है। स्टोरी लाइन अच्छी है, खेलने में आपको बहुत मजा आने वाला है, मेरे को मजा आने वाला, आप लोगों को नहीं। ठीक है बाय गाइस अभी हम जिम से वापस आ चुके हैं और रात के कितना टाइम हो रहा है बता दो यार कोई नहीं बताता भाई 11 बजे। और अब हम भैया की चैनल की वीडियो बना रहे हैं उसके बाद मैं अपने चैनल की वीडियो बनाऊंगा तो दो वीडियो बनानी है। एंड लिटरली मेरा सर बहुत फट रहा है दर्द से बिकॉज हमने कल जिम किया, जिम के बाद तो और दर्द हुआ। गाड़ी में ना यार ट्रैवल करते हुए ना मेरे को सर फटता है सच में पता नहीं क्यों और जिम करने के बाद तो भाई और दर्द होने लगा। तो ये मेरे चैनल की वीडियो बनाएंगे उसके बाद अपनी वीडियो बनाऊंगा मैं भाई। यो गाइस वेलकम बैक टू इस यूट्यूब चैनल एंड आज है हमारा 4th डे आई गेस व्लॉग कास्ट थर्सडे है। एंड मैं बताऊं कल मैं व्लॉग नहीं कर पाया बिल्कुल भी तो कल का दिन का आपको कोई भी बिल्कुल भी छोटी सी मूड में दिखाई दूंगा बिकॉज कल मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। मेरी और सबको लग भी रहा होगा मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। आई थिंक चंडीगढ़ गया उसकी वजह से थोड़ा ना मेरा दिमाग खिल गया था और मैं सच में बहुत बीमार पड़ गया था। मैं जिम भी नहीं जा पाया बट आज मैं थोड़ा बहुत ठीक हो चुका हूँ तो मेरे को आज जाना पड़ेगा कहीं पे कुछ हेयर कटिंग के लिए जाना है एंड आई गेस थोड़ा बहुत कपड़े कुपड़े मतलब वो कुर्ता पजामा सीन है उसके लिए जाना है। तो गाइस अभी हम वापस आ गए थे कुर्ता लेके एंड उसके बाद मेरे को जिम जाना पड़ेगा। जिम से हम वापस आ चुके हैं ऑलमोस्ट रात के 10 बजे 10 से ज़्यादा हो गए ना नहीं 9 बजे अभी हम वीडियो बनाने जाएंगे। वीडियो बना के थोड़ी सी आपको क्लिप दिख जाएगी एंड उसके बाद आज का डे का व्लॉग खत्म करते हैं। एंड कल के लिए मैंने एक प्लान सोचा है। हाँ बाकी मैं बताना चाहता था जो गेम्स थी दोनों शिकिरो और एल्डन रिंग तो मैंने अभी तक डाउनलोड भी नहीं किया एंड शिकिरो ना मैंने सीन क्या किया मैंने वीडियो डाल दी उसकी तो उसकी वजह से मैं खेल नहीं पा रहा हूँ मैं सिर्फ वीडियो में खेल पाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि शिकिरो की मैं एक ही बार पूरा शूट कर लेता हूँ एंड फिर आराम से उसको कट करके डालता रहूँगा। बाकी मेरे को कमेंट्स में आप बताता रहना। एंड मेरे को चीज़ बताना चाहता था हमारी वॉल्यूम 5 आ चुकी है चेनसॉ की तो ये बहुत सही है मेरे को इसको पढ़ना स्टार्ट करना है अपना। मैंने भाई एक दिन के अंदर ना दो पढ़ ली थी आई गेस थ्री या फोर मैंने नहीं थ्री तो वैसे मैंने आधी कर ली थी बट वो छोड़ो अब मेरे को 5th पढ़नी है एंड उसके बाद हम जाएगी अभी वीडियो बनाने में। अभी तो मेरे को पहले खाना खाने फिर हम वीडियो बनाने जाएंगे एंड फिर वापस आके मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा और सो जाऊंगा।
गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे। और आज है सैटरडे। मैंने इस हफ्ते बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा सेकंड वीक है ये व्लॉगिंग का, एंड मैंने इस वीक में तीन या चार दिन मैंने स्किप कर दिया है। मैं कल परसों तक बहुत बीमार था, लाइक सच में बीमार था। अभी मैं बीमार हूँ बट मैं अभी जिम में हूँ और मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँ, ज़्यादा नहीं करता, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँ। आज वैसे भी लैग डे है, सैटरडे आज, तो ये कल आप व्लॉग देखोगे, कल संडे को वीडियो डलने वाला है। एंड मैंने वैसे सोचा था इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट आज घर जाके मेरे को एक चीज़ दिखानी है आप सभी लोगों को, तो जो हम घर पहुंचेंगे तब तक के लिए देखते हैं। और अगर थोड़ी बहुत मेरे पे हाइलाइट्स होगी तो मैं जिम की हाइलाइट्स भी डाल दूंगा, ठीक है। ओके तो गाइस अभी हम जिम से वापस आ चुके हैं। मेरे को नहीं पता आप लोगों को मेरी शक्ल ठीक से दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ। बट अभी हम शूट पे आए हैं एंड थक गए, अभी रात के ऑलमोस्ट एक बजने वाले हैं। जहाँ से अगर आपको हमारा शहर दिखाई दे रहा होगा, पूरा चमचमा उठा है लाइट से, दिवाली की लाइट्स लगती है। एंड अभी हम वीडियोज़ बनाने वाले हैं, दो वीडियो, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। एंड व्लॉग के लिए बहुत ऊंचाई में चलते आया हूँ, इसलिए थक चुका भाई जी। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसमें गया। मेरे को पता है ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा हो सकता है, आई डोंट नो कितने मिनट का होने वाला है ये, बट घर पे मिलते हैं या फिर आओ थोड़ी हाइलाइट्स देखो, घर पे मिलते हैं। तो गाइस अभी सीन क्या हो रहा है कि मैं ना भाई थंबनेल के लिए फोटो खिंचा रहा हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कोई गेम की वीडियो बनाऊंगा, बट मेरे को फिर याद आया कि मेरे को व्लॉग डालना है कल। एंड वैसे मैंने ना, देखो ये देखो, देख रहे हो तुम भाई, मतलब इतनी सारी गेम्स निकाली है थंबनेल के लिए। तो गाइस मेरी फेवरेट गेम अभी तक की जो चल रही है, जो मैं अभी खेल भी रहा हूँ, वो है शिकिरो। शिकिरो गाइस आप लोगों को मैंने बताया था शायद व्लॉग के स्टार्ट में, बताया मैंने, आपने देख लिया होगा। मेरे हिसाब से आप लोग के लिए सिर्फ 4-5-10 मिनट ही होंगे, बट मेरे लिए पूरा ऑलमोस्ट हफ्ता बीत चुका हूँ इसको लिए हुए। एंड ये गेम बहुत अच्छी है, इसको गेम खेलने में लाइक बहुत हार्ड है, लिटरली मेरी सबसे हार्डेस्ट गेम है अभी तक की। मैं उसमें हज़ारों बार मर चुका हूँ, बट ये गेम बहुत मज़ेदार है। एंड बाकी बहुत सारी गेम्स हैं। बाकी गाइस मेरे सबसे आज का व्लॉग को ना यार यहीं पे एंड कर देना चाहिए, बिकॉज अब मेरे को लगा मेरे को एक और वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज देखो बेले बैठने से अच्छा कुछ काम ही कर लेते हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा एंड भाई मेरे को कमेंट्स में बताना गाइस अगर आप लोग की कौन सी फेवरेट गेम है और मेरे को कौन सी गेम लेनी चाहिए PS5 के लिए, बिकॉज मेरे को ना यार गेम्स खेलनी है बहुत सारी। बाकी गाइस मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाकर प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं पहले सोचता था कि मैं 1 लाख से पहले ही डाल दूँ एक वीडियो वहाँ पे, बिकॉज मैं वहाँ पे ना एनिमे कंटेंट डालना चाहता हूँ। जो मेरा सेकंड चैनल है सनी 2+22, उस पर मैं लाइक एनिमे टाइप का कंटेंट डालने वाला हूँ, बहुत सारे लाइक एनिमे के एनिमे रिव्यूज़ एंड एनिमे क्यों देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ उस चैनल पे। तो वो चैनल पर जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दो, 100K उसमें होने वाले हैं। जैसे ही 1,000-1 लाख हो जाएगा ना उसमें, वैसे ही मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको थोड़ा मजा आया सारे सुनते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं उन लोगों तक के लिए, बाय बाय। और मेरे इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो करना, बाय।